सर इधर सर क्वेश्चन सर लिया कि क्या बात है क्या बात है। कुमार जी सर आइए, कैलाश जी सर साथ में। सर थोड़ा हंस लीजिए, कैलाश जी यहाँ पे। सर यहाँ पे थोड़ा है। हो गया। बैक बैक कैलाश जी बैक। और क्या पेट? सोलो सोलो। कैलाश जी आपका सोलो। सोलो। सोलो सोलो। ले लो ले लो सोलो भी ले लो। सर कितना थोड़ा पीछे है? ए कौन है? कोई सोलोस नहीं है, हमें कोई सोलो नहीं बोले। ए भाई ओ पीछे हो जाए, ओ भाई पीछे हो जा। अरे पीछे आ, तू आगे जा रहा है। ये देखना पूरा आगे जा रहा है, काहे के लिए जा रहा है आगे? अरे पीछे यार सोलो भी नहीं जा रहा। क्या मैं बोले केला जी सर यहां पे सर कुमार जी सर सामने एक कैलाश जी लुक कैमरा कैलाश जी सेंटर लुक कैलाश जी योर लेफ्ट ऐसे बोलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए। अच्छा जी सिंगल लग रहा है, फाइट करने जा रहा है यार, किशन लग रहा है। आ गया जाओ थोड़ा थोड़ा आ गया जाओ भाई। अरे उन लोग भी ले आना चाहिए ना भाई, पीछे आना क्यों आ गया है? अरे हो गया बूम अमृत 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 केंद्र में अमृत है। प्रोग्राम का नाम अमृत, भारत का अमृत कलश, अमृत समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, उसमें रत्न थे। जी रिलीज़ हो रहा है, सही कहा आपने। कैलाश जी ने और अमृता जी ने बहुत अच्छा रेंडिशन किया है, बहुत अच्छा गाया है। एंड समीर जी ने लिखा है, सिद्धांत ने इसको म्यूज़िक किया है। तो ये गाना एक्चुअली हमारा एक साल से बन के पड़ा था हमारे पास, और हमने यही ओकेजन के लिए रखा हुआ था। तो अमृता जी से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने लगा कि मैं भी इसका पार्ट होना चाहती हूँ। पहले कैलाश जी थे तो हमने बोला व्हाई नॉट, ज़रूर बहुत अच्छी बात है, एक मेल फीमेल का ड्यूएट हमेशा वर्क करता है। तो अमृता जी ने भी बहुत मेहनत की, लास्ट 15-20 दिन से हम लगे हुए थे गाने पे, एंड अल्टीमेटली रियली बहुत अच्छा शेप हुआ है। वीडियो भी बन रहा है, वीडियो भी अभी आ जाएगा, ऑडियो तो रिलीज़ हो गया है, वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद दूंगी कि आप यहाँ आए और इस गाने को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि मैं पद्मश्री कैलाश जी के साथ ये सुंदर भजन गा पाई हूँ, और एंड थैंक यू कुमार जी कि आपने सोचा कि ये जो एक समन्वय हम दोनों का होगा, ये कुछ और एक सुंदर कुछ सामने लोगों के लेके आएगा, तो इसका मुझे बहुत आनंद है। और ये समय भी ऐसा है कि अभी एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है 22 जनवरी को, और उसके पहले हम लोगों ने ये जो गाना रिलीज़ किया है, वोकल्स अभी ऑडियो रिलीज़ हुआ है और जल्दी ही वीडियो रिलीज़ होगा,
बहुत खुशी है कि इतनी टैलेंटेड टीम के साथ मैंने ये गाने में थोड़ा सा अपना भी योगदान दिया है, और गाने को तो पूरी तरह तरीके से कैलाश जी खा चुके हैं, उसमें थोड़ी बहुत जो चांस मिली वहाँ मैंने अपना भी आवाज़ देके कुछ करने की कोशिश की है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतना भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण ऐसा ये जो गीत है सबके सामने कुमार जी, क्योंकि यू हैव दैट विजन तो आप आया है, इसकी मुझे खुशी है। विद ब्यूटिफुल कंपोजिशन, ब्यूटिफुल लिरिक्स बाय समीर जी एंड कंपोजिशन बाय सिद्धांत, इट विल गो प्लेसेस एंड इट्स अ एवरग्रीन सॉन्ग। तो जैसा कुमार जी ने बताया, गाना तो एक वर्ष पहले ये बन चुका था, परंतु हर चीज़ का देखिए, मंदिर भी बन चुके होते हैं कई बार, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उनकी समय आने पर होती है। इसी तरह से हमारे इस बहुत ही अच्छे गाने का, इस गीत का, इस भक्ति संगीत का ये समय आया है, और मेरे दाता का अवतरण हो रहा है, आगमन हो रहा है पृथ्वी पर, हृदय हृदय आगमन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कण कण राममय हो रहा है और राम युग का प्रारंभ हो रहा है। उस वक्त ये गाना आ रहा है, हे राम, हे राम, हे राम, जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सियावर राम। बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, मान मिले, सम्मान मिले, बुद्धि मिले हमें, ज्ञान मिले, मान मिले, सम्मान मिले, राम का नाम जपने से हो, राम का नाम जपने से भटके मन को ध्यान मिले, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तो ये हे राम एक ऐसा कि भटके मन को भी ध्यान मिलता है, ये परमात्मा का सुमिरन ऐसा है। तो ये इस शुभ घड़ी में हमारा ये गाना आ रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, हमारा एक शो चल रहा है भारत का अमृत कलश, उस पर पूछते हैं हमसे कि कुछ टिप्स दीजिए, तो हमने बताया टिप्स तो हमने कुमार जी को दे रखी है। मुझे लगता है जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, कैलाश जी के ड्यूएट्स फीमेल्स के साथ नहीं है या हार्डली है, क्योंकि इनका एक अलग ही लेवल का आवाज़ है, अलग ही लेवल की रूहानियत है, उसको मैच करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो और मैंने गाना तो इतने में ही सुना और उसको पूरा घोल चुके थे कैलाश जी अपने स्वरों में, तो मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकी, आई ट्राइड टू गिव जस्टिस टू द लाइन्स जो मुझे दी गई, और बाकी तो सीखने को इतना सब कुछ है कैलाश जी से, तो उनके तो हम शागिर्द हैं, तो सीखते ही रहना है। नहीं, अमृता जी हमारा परिवार हैं, और इनके अंदर मन जो है एक साधिका का मन है। देखिए, बड़े बड़े पदों पर होते हैं कुछ परिवार, लेकिन फिर भी ऐसा सहज मन होना, इतना सरलता में जीना, और कला को आगे रखना, गुणों को आगे रखना, ये हर परिवार में होता नहीं। कई बार फैशनबाजी से ही फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन इनका ध्यान जाता है परमात्मा की ओर, संगीत की ओर, साधना की ओर, तो इसलिए ये हमारे हृदय के और निकट हैं। ऐसे तो हमारे जो डिप्टी सीएम सर हैं वो भी हृदय का हिस्सा हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो उनको देव कहता हूँ, देवेन कहता हूँ, और हम सब हंसते हैं, इतने प्रेम से हम लोग जीते हैं। परंतु इनकी जो तपस्या है संगीत को लेकर, उसमें हम निहारते हैं इनको बार बार कि हाँ, अमृता में कुछ तो है तत्व और कुछ तो है शिवत्व, जो संगीत की ओर ये उन्मुख हैं, तो इसलिए हम इनसे कुछ कुछ गाने गवाते रहते हैं। अभी कुछ ऐसे सरप्राइज हम कर चुके हैं इनके वॉइस में, जो आने वाले समय में
आप दंग रह जाएंगे कि अरे राम ये अमृता फडणवीस ने गाए हैं। कुमार जी आपको मैं सुनवाऊंगा एक दो चीज़ें, हमने इनसे ऐसा निकाल लिया है, अमृत निकाल लिया इनके अंदर से, अमृता से अमृत निकाल चुके हैं हम, और भी एक दो गाने होने हैं। टिप्स भक्ति प्रेम बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड लेबल है, और कुमार जी को और इनके परिवार को, रमेश जी को, गिरीश जो हमारे अगली संतति हैं, उन सबको मैं इसलिए धन्यवाद, कविता जी, कविता लखानी जी, इन सबको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि देखिए पैसा कमाना सबका कर्तव्य होता है, आगे बढ़ना और कॉरपोरेट को, कॉरपोरेट हाउसेस को बड़ा करना, नाम करना, ब्रांड बनना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, परंतु इसके साथ साथ कुछ होते हैं दायित्व, वो दायित्व निर्वहन करना। भक्ति में भी इन्होंने पूरा अपना समायोजन किया है कैसे करना है, भगवान शिव पर भी, भगवान कृष्ण पर भी, भगवान राम पर भी, और ऐसे औपचारिकता के लिए नहीं, तो जैसा करना चाहिए एस्थेटिक्स यानी करने के जो तरीके होते हैं वैसा करते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि चवन्नी की यहाँ कंजूसी कर लो, अठन्नी की वहाँ, ना, दबा के तगड़े वीडियो बनते हैं। हमारा एक इन्होंने भगवान कृष्ण पर बनाया था, दिल्ली ले गए थे, दिल्ली में भी मानेसर के पास एक बहुत तगड़ी लोकेशन बुक की, जैसे कोई बहुत बड़ा एल्बम, रोमांटिक एल्बमों में नहीं होते, बड़े बड़े भवन होते हैं लोकेशन वाइज, ऐसा परमात्मा के नाम पर भी। तो मैं तब से इनको मानता हूँ कि नहीं ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, थोड़ा मन भी इनका है कि चलो कुछ संस्कृति में, कुछ हमारी सभ्यता में, कुछ हमारे धरोहरों में, परंपराओं में कुछ और परोसा जाए। ये रिवील करेंगे, हाँ लास्ट लास्ट जरा आप भी हाथ लगाओ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ऐसे ऐसे। ब्यूटिफुल, बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा भगवान राम का ये जो डाला, रामलला, हाँ बहुत सुंदर रामलला, वाह जी वाह, लो and celebration. All the very best, everyone. Thank you so much. Thank you. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पर आए हैं इस अच्छे प्रयोजन के लिए आए हैं, थोड़ा चाय नाश्ता खींचिए और ठीक है उसके बाद जाए। अपना